काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर क्या है, टेलीप्राइम में इन्हें कैसे देखते हैं, इन्हें एक्सेल या पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और इनका प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। टैली में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उन सब की एक साथ रिपोर्ट हम डे बुक के द्वारा देख सकते हैं। डे बुक के बारे में हम डिटेल में अपनी वीडियो नंबर 35 में पहले ही बता चुके हैं, पर यदि आपने सेल्स या परचेस के जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो टैली ने उसके लिए सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर का ऑप्शन अलग से दिया है। तो चलिए सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। सेल्स रजिस्टर में हमें सेल्स यानी विक्रय से संबंधित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है, जैसे दिनांक, कस्टमर्स का नाम, पता, वाउचर नंबर, आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल बिल अमाउंट इत्यादि। इसी तरह परचेस रजिस्टर में परचेस यानी खरीद से संबंधित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है, जैसे दिनांक, सप्लायर्स का नाम, पता, वाउचर नंबर, आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल बिल अमाउंट इत्यादि। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इन रजिस्टरों में हमने पार्टी का लेजर बनाते समय और सेल परचेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय जो भी डिटेल्स दी होंगी वे सभी एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती हैं। सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर को देखने के दो तरीके हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ से हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाना होगा। उसके लिए डी प्रेस करेंगे। अब अकाउंट बुक्स के लिए ए प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ रजिस्टर्स हेडिंग के अंतर्गत बहुत सारे रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसीट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर इत्यादि। हम सेल्स रजिस्टर देखना चाहते हैं इसलिए इसका शॉर्टकट एस प्रेस करेंगे। ये देखिए सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया है। यहाँ हमें सेल्स की मंथ वाइज जैसे अप्रैल, मई, जून से लेकर मार्च तक की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। आप जिस भी माह के सभी सेल्स वाउचर्स देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम दिसंबर के सभी सेल्स वाउचर देखना चाहते हैं तो दिसंबर पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए इस माह में जितनी भी सेल्स, चाहे वे कैश में हुई हो या क्रेडिट में, सभी दिखाई दे रही हैं। अब हम F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ हम सबसे ऊपर शो नरेशंस ऑप्शन को यस कर रहे हैं। ऐसा करने से यदि हमने वाउचर्स में नरेशंस दी होंगी तो वो दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। इसमें हम डिटेल्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब रिपोर्ट में हम स्टॉक आइटम की डिटेल्स भी देखना चाहते हैं इसलिए शो इन्वेंटरी डिटेल्स को यस कर लेते हैं। इसी तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से अन्य ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए दिसंबर माह के सभी सेल्स वाउचर्स की डिटेल आ रही है। अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को कलमनर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसके लिए F8 प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही कलमनर रजिस्टर ऑल्टरेशन की एक स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें और अपनी जरूरत के अनुसार यस या नो कर लें। हम सभी को यस कर रहे हैं। आखिर में टाइप ऑफ कॉलम में एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए रिपोर्ट अब रजिस्टर फॉर्मेट में आ रही है और हमने जिन ऑप्शंस को यस किया था वे सभी यहाँ अलग अलग कॉलम्स में दिखाई दे रहे हैं। सभी कॉलम्स को राइट एरो और लेफ्ट एरो की से स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। यदि आपने वाउचर बनाते समय कॉलम में दिखाई दे रहे हेडिंग के अंतर्गत उनसे संबंधित डिटेल्स दी होंगी तो वे यहाँ पर दिखाई देंगी। हमने अधिकांश में कोई डिटेल्स नहीं दी थी इसलिए ज्यादातर कॉलम्स ब्लैंक आ रहे हैं।
इस प्रकार आपने जो सेल्स की हैं, उनकी संपूर्ण डिटेल्स सेल्स रजिस्टर के माध्यम से एक जगह पर देखी जा सकती है। अब यदि आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी इस रिपोर्ट को एक्सेल या पीडीएफ के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ टॉप बार में एक्सपोर्ट पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट ऑल्टर और ई कीज को प्रेस करें। अब करंट के लिए आर प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही यहाँ पर सामने एक स्क्रीन आ गई है जिसमें एक्सपोर्ट से संबंधित सभी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, जैसे रिपोर्ट टाइप, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, फाइल फॉर्मेट, एक्सपोर्ट टू, फोल्डर पाथ और फाइल नेम। यदि आप इनमें से किसी में भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे फाइल का फॉर्मेट या फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, तो बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए सी प्रेस करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। यहाँ से आप जिस ऑप्शन में भी ऑल्टरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम फाइल का फॉर्मेट जेपीईजी से बदलकर एक्सेल करना चाहते हैं, उसके लिए डाउन एरो से फाइल फॉर्मेट पर जाएंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे। अब लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स में से अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक्सेल पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब कंट्रोल और ए की से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए, सेटिंग अपडेट हो गई है। अब सेंड पर क्लिक करें या ई प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई है और एक्सेल में ओपन भी हो गई है। चलिए हम इसको बंद करके फिर से टैली पर चलते हैं। यदि आप इस रजिस्टर का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल और पी प्रेस करें। अब यदि आप प्रिंट के पहले कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सी प्रेस करें। पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट देखने के लिए शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब इस लिस्ट में आपको जहां भी कोई चेंज करना हो, डाउन एरो से उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए हम एस्केप की प्रेस करके वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं। यदि आप सीधे प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो पी प्रेस करें, और यदि उसके पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आई प्रेस करें। देखिए, हमारी सभी एंट्रीज प्रिंट होने पर इस प्रकार दिखाई देंगी। यहाँ पूरा प्रीव्यू देखने के लिए आप राइट एरो की का उपयोग कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद उसे बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करें। अब यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो पी प्रेस करके कर सकते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके फिर से रजिस्टर पर चलते हैं। अभी आपने देखा कि सेल्स रजिस्टर किस तरह देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम F4 की प्रेस करके यहीं से परचेज रजिस्टर या यहाँ दिखाई दे रहे अन्य किसी भी रजिस्टर को देख सकते हैं। चलिए अब इन रजिस्टर्स को ओपन करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं। टैली में अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को बंद किए बिना ही कोई रजिस्टर ओपन करना चाहते हैं, तो गो टू की सहायता से कर सकते हैं। उसके लिए ऑल्टर और जी प्रेस करेंगे। अब रजिस्टर्स पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, सभी रजिस्टर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप इनमें से अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।